बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, जिन्होंने बेहद ही कम समय में बुलंदियों को छुआ और करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया, लेकिन एक टीवी शो कॉफी विद करण में महिलाओं के बारे में दिए गए उनके अपमानजनक बयान ने उनके साख पर एक धब्बा जरूर लगा दिया है। टीम ने उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। ऐसे में हार्दिक पांड्या कुछ इस तरह से अपना वक्त बिता रहे हैं, जिसका जिक्र खुद उनके पिता हिमांशु पांड्या ने किया है। हार्दिक के पिता हिमांशु ने बताया कि जब से वो ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटा है, उसने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा है। यहाँ तक कि उसने किसी का फोन भी उठाना बंद कर दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच को भी पांड्या ने घर में चुपचाप देखा और मकर संक्रांति को, जो कि गुजराती लोगों के लिए खास पर्व होता है, पांड्या ने इस दिन भी कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। हार्दिक पांड्या के पिता हिमांशु पांड्या के मुताबिक हार्दिक को पतंग उड़ाना काफी पसंद है, लेकिन फिर भी वो घर में बैठे हुए रहे और दिन भर कुछ नहीं किया। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।